ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ मैंने ह्यूमन बॉडी क्वेश्चंस किए थे 50 इन 3 मिनट्स इसलिए मेरा रिकॉर्ड बन गया। अच्छा आपने बॉडी पार्ट्स के जो आपको सवाल थे जो आपको पूछे गए थे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और कितने मिनट में आपके 3.5 मिनट के प्लस जो आपको जो आपने सवाल उन्होंने बताए तो कैसा फील हुआ था उस टाइम? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था। तो बॉडी पार्ट्स के जो नाम है वो जाइगोमैटिक सीलिया फीमर स्क्लेरा ऑर्बिक्यूलरिस लैक्राइमल सेरिबेलम विली बोन मैरो पीनियल पैनक्रियाज। अच्छा नीति आपको कितना टाइम लगा इसको सीखने में कितना टाइम लगता था पूरा? मुझे 20 डेज लगते थे। अच्छा अब कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अब थर्ड में पढ़ती हूँ। थर्ड में पढ़ती हूँ। अच्छा जो आपकी क्लास में और भी बच्चे हैं जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? हाँ जी। और भी अच्छा आपकी जो क्लास टीचर है जब आपको पता लगा मैडम ने आपको क्या कहा तो मैडम से कैसी बात हुई? मैडम ने मेरे को कांग्रेचुलेशंस बोला। कांग्रेचुलेशन बोला आपको? हाँ जी। अच्छा फिर साथ में जो आपके बच्चे थे वो भी खुश होंगे उन्होंने भी आपको बधाई दी? हाँ जी। और नीति रे साढ़े ना फादर साहब अगर ना गलबात करेंगे सर किधर तुम महसूस होया जो बेटी ने जेड़ा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जेड़ा कि अपनी जगह बनाई? बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इतने छोटे से बच्चे का नाम आना। बहुत ही प्राउड है और हम वाकई ब्लेस्ड हैं। कृष्णा का ब्लेसिंग है कि हमें भगवान ने नियति जैसा चाइल्ड दिया है जो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना करके पूरे इंडिया में अपना नाम और हमारा नाम हमारी फैमिली के नाम को रोशन किया है। सर जी गल करिए बेटी का जो बेटी टैलेंट का तुम्हें कदों पता लगे? शुरू से पता सी बेटी जो कोई पढ़ती सी जो पता लगे तुम मतलब कितना फील होया तुम्हें इस चीज़? हाँ इसके छोटे से ही ये बचपन से ही अभी भी बचपना तो अभी भी है इसमें लेकिन ये शुरू से ही जब से इसको देखे हैं हमने ये एक अलग हट के चाइल्ड रहा है और ये तो पता ही है हमें कि ये छोटे छोटे माइलस्टोन है कुछ बड़ा ये करके ही देगी आगे जा करके क्योंकि इसने शुरू से ही रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। सर कोई होर भी इन्हें बेटी ने कोई मैडल जितया हुआ जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में छड़ के असं होर गल करिए स्कूल दे विच जां कोई होर भी मैडल इन्हें जितते हुए बेटी ने? हाँ बच्चे शुरू से ही एक्सीलेंट रही है अपने स्कूल में क्लासेस में और अभी रिसेंटली इसने इंडिया इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में भी स्कूल रैंक 1 अचीव करके गोल्ड मेडल लिया है और एबेकस में भी एक्सीलेंस अवार्ड है और एजुकेशन के हर फील्ड में इसको अवार्ड ही मिले हुए हैं और अवार्ड्स बहुत सारे हैं इसके मैं शायद गिना भी ना पाऊँ अपने को इतने अवार्ड्स हैं कि अब हमें अपने यहाँ रखने की जगह नहीं बची है। बेटी जो तुम सवाल किन्ने पूछे गए थे किन्ने सवालों का तुम जवाब दिता से जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तुम्हारा की तो जी जगह बनी है किन्ने तुम सवाल पूछे गए मैक्सिमम किन्ने से फिफ्टी सवाल किए? अच्छा जो गलबात जो फिर तुम सवाल पूछे जा रहे थे उदों की फील कर रहे थे घबराए तो नहीं भी हाँ भी मैं बोल पाऊँगी या कि कोई मन कोई चीज़ आई कोई? हाँ जी। की सोचा की महसूस होया उस टाइम कर लोगे अचीव कर लोगे? हाँ जी। मदर भी है गलबात भी करा मैम की नाम शिल्पी राज मैम तुहानू क्या जिवें तुसी डेली तुसी बेटी नाल ज़्यादा लगाव हुंदा माँ दा है ना तुसी जदों इन्हां नूं पढ़ाई दे विच ही पढ़ाउंदे होणा उदों भी तुहानू की महसूस होया सीगा भी मेरी बेटी जदों पढ़ाई दे विच हुशियार आ ते आउण वाले दिनां दे विच जिवें मेहनत कर रही है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच जिहड़ा कि नाम दर्ज करवाउंदी? हाँ नियति का शुरू से ऐसा है कि ये सोच लेती है वो करके दिखाती है। पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट बजाना जैसे कीबोर्ड बड़ा अच्छा प्ले करती है। इसने नर्सरी या एलकेजी में शायद मुझे ध्यान है सारे गामा की धुन बजाना और इसने कीबोर्ड पे इसे एक बार मैंने बजा के इसकी सिस्टर ने बताया और इसने वो प्ले करके अपने स्कूल में दिखा दिया। तो मतलब वो चीज़ इम्पॉसिबल थी इतने छोटे बच्चे के लिए। तब तो मेरे ख्याल से ये 4-5 साल की रही होगी तो मुझे खुद ये लगा कि ये ऐसी चीज़ें और
पढ़ाई के साथ साथ, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ही है, हर फील्ड में, हर फील्ड में ये खुद से बढ़ के सीखना चाहती है। हम किसी भी बच्चे को, हमारा एज ए पेरेंट किसी भी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं कि आप पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा आगे रहो, या हम घर के की लड़कियाँ हैं तो इनको हाउस होल्ड एक्टिविटी में आगे करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सिर्फ थिंकिंग ये है कि बच्चा जिस चीज़ में, जिस राह पे बढ़िया तरीके से करना चाहता है उसको उस साइड पे जाने दीजिए। बट भगवान की, जैसे कि इसके पापा ने भी कहा कि कृष्णा जी की ऐसी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर और हमारी फैमिली पे कि हमारे बच्चे ऑलराउंडर हैं। तीनों बेटियां डीएवी के टॉपर उसमें आती हैं। डीएवी का मैं नहीं कहती आज तक कि डीएवी का कोई पैम्पलेट छपता हो और मेरी तीनों बेटियों के नाम वहाँ नहीं आते हो, तो मैं बड़ा प्राउड फील करके ये कहती हूँ। और अभी भी मैं रिसेंटली जब मैं सिद्धू मैम से मिल के आई थी, इसके आईबीआर के अचीवमेंट पे गई थी, तो मैम का यही कहना था कि आप उसकी मदर हैं, आपकी एक बेटी स्टूडेंट काउंसिल में और एक बेटी डीएवी की टॉपर है, अब नियति ने दूसरा रिकॉर्ड बना दिया। तो वो सुन के ना बड़ा अच्छा लगा कि सिद्धू मैम मुझे मेरी बच्चियों के नाम से पहचान रहे हैं, ना कि मुझे और इसके फादर के नाम से स्कूल में जाना जा रहा है। बल्कि वहाँ वो स्कूल वाले भी, अब हम लोग जाते हैं तो यही कहते हैं कि देखिए रियली में जिस दिन ये बुक लेके गए हम लोग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, काफ़ी गार्जियंस हमारे पीछे पीछे आ रहे थे कि ये रिकॉर्ड होल्डर के पेरेंट्स हैं। तो इसने एक अपनी अलग पहचान और हमारी पहचान बना दी है लुधियाना में, ऑल ओवर इंडिया मैं तो कहती हूँ बन गई अब एक एज ए सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग होती है ना नियति की वजह से, वो हमें अचीव हो गई है इस समय। अच्छा, जो तुम्हें पता लगे कि बेटी ने जड़ा कि अपना नाम जड़ा कि दर्ज करवा लिया इसी दे, तो रिश्तेदारों ने फोन फोन आए, रिश्तेदार ने कितना तुम्हें मतलब बधाई दी फिर आके तुम? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फ़ोन आए। और ये होली का टाइम था जिस समय, उस टाइम इतने फ़ोन आए कि आप सोचिए कि फ़ोन उठाने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा था कि एक फ़ोन के बाद दूसरा फ़ोन, इसके दादी नानी मतलब उनके भी आगे सारे जो रिलेटिव्स हैं सभी के फ़ोन, और बड़े तो जैसे बहुत ही खुश होते हैं, इसके दादी नानी तो खुशी की वजह से वो दूर बैठे हैं, लेकिन सारे इतने खुश थे कुछ पूछिए नहीं। सारे रिश्तेदारों ने, मैक्सिमम सभी ने ऑनलाइन इसके लिए गिफ्ट, बधाइयाँ, उसका सिलसिला जो अभी चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, मतलब सारे बड़े खुश हैं। नीति, वड्डे होकर की बनना चाहते हो तुम हूँ, जिम्मे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जरा दर्ज करवाया, पढ़ाई में भी तुम हुशियार हो, आने वाले दिनों वड्डे होकर की बनना चाहते? मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, तो होर भी कोई रिकॉर्ड बनाना, कोई किसी होर भी खिताब नाम हासिल करना? हाँ जी। किस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का करना है अब मैंने, और फिर जनीस का। अच्छा, तैयारी होती भी चल रही है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तैयारी चल रही है? अभी मैंने करनी है। अच्छा मैम, बेटी कह रही वड्डे होकर मैं डॉक्टर बनना, उसके विच भी कोई ताड़ी मदद की जा रही है बेटी की किसी चीज़ में लगे? अब देखिए अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, और इसकी जैसी फीलिंग है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कहती हूँ अच्छी बात है, अगर इसने सोचा हुआ है तो हम जो सपोर्ट कर सकते हैं पूरा करने को तैयार है। और मैं भी इसको साइंस में एज ए साइंस लेक्चरर पहले कर चुकी हूँ जॉब, तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि साइंस के जो बेसिक्स हैं वो इसको अभी से स्टार्टिंग से क्लियर करके चलूँ, जिससे आगे फ्यूचर में जब ये डॉक्टर बनने की राह पे चलेगी तो कहीं कोई इसको कंसेप्ट ऐसा ना हो कि नई क्लैरिटी हो, तो अभी शुरुआत से ही हम इसको उस तरफ से लेके चलेंगे, अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छा सपोर्ट देंगे पूरी तरह। ऐसी साढ़े नाल नीति 8 साल की जी नीति है, जिन्हें कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जरा कि अपना जगह बनाने जी कि अपना सफलता प्राप्त की है, और नीति का सुपना कि आने वाले दिनों व्डे होकर जी डॉक्टर बनेगी, तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के भी अपना जो नाम दर्ज करवाने जी और वालों कोशिश की जाएगी। लुधियाना तो लखविंदर सिंह, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।